चलिए, L1 एंड L2 आर टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग स्लोप M1 एंड M2, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब एक कंडीशन है हमारे पास, हमने कहा इफ L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब क्या होगा? देन M1 इक्वल्स टू M2 होगा, दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होगा, बोथ लाइंस विल हैव इक्वल स्लोप। हम बना करके देख लें, क्या वाकई में दो पैरेलल लाइंस हुई तो उनका स्लोप इक्वल होगा? ये दो पैरेलल लाइंस मैंने बना दी, ये मान लो L1 लाइन है, ये मान लो L2 लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब है पहली लाइन का स्लोप टैन थीटा, तो दूसरी लाइन का स्लोप भी टैन थीटा, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट M1 इंटू M2 वो -1 के बराबर होगी। ठीक है, इसको भी कंसिडर करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक लाइन ये हो गई। ये दो लाइंस हो गई, सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और ये दोनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, L1 का इंक्लिनेशन मार्क कर लें तो ये एंगल हो गया θ1, और L2 का इंक्लिनेशन मार्क कर लें तो ये एंगल हो गया θ2। अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा, और ऐसे केस में ये वाला एंगल जो है वो 180 में से θ1 माइनस करके ऑप्टेन हो जाएगा, यानी कि दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस θ1। अब ये एंगल 180 माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम। इस 180 को इक्वल के उधर ले जाए तो 180 180 कैंसिल हो जाएगा, ये θ1 वाला टर्म उधर ले जाए तो प्लस में चला जाएगा, ये θ2 वाला टर्म उधर ले जाए तो माइनस में चला जाएगा, और इधर बच जाएगा 90। यहां से θ1 को अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो θ1 मिल जाता है हमारे को 90 डिग्री प्लस θ2। ठीक है, अब हम पहली लाइन का स्लोप लिखते हैं M1, वो हो गया tan θ1। अब tan θ1 लिखा, θ1 की जगह तो हम चाहें तो 90 डिग्री प्लस θ2 लिख सकते हैं, तो इसको लिखा tan 90 डिग्री प्लस θ2। अब 90 में कोई एंगल ऐड कर रहे हैं,
और हमने कहा कि इसको आप हमेशा स्टैंडर्ड एंगल मान के ही चलना, तो इसका मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ये जो थीटा वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है आपके पास। यहाँ पे एंगल अगर देखें तो इसमें ये थीटा वन ये थीटा टू था, यहाँ पे देखें आप तो थीटा वन आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और थीटा टू आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 90 प्लस थीटा टू सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा वन सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर थीटा वन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टैन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो का माइनस में आएगा भाई, माइनस लिख लिया। ये है 90 का मतलब 1 × 90 डिग्री प्लस थीटा टू। वन कैसा है? ऑड है, ऑड है तो टैन बदलेगा कॉट में, तो ये बदल दिया इसे कॉट में, और एंगल तो उसके बाद ये लिखना है, तो ये कॉट थीटा टू हो गया। यानी कि एम वन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन बाय टैन थीटा टू, कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता था तो इसे ये लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे को वैल्यू मिल गई। एम टू की वैल्यू लिखते हैं, एम टू इक्वल टू टैन थीटा टू का एम वन और एम टू को मल्टीप्लाई करते हैं, एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन बाय टेन थीटा वन, सॉरी टेन थीटा टू, माइनस वन बाय टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा टू वैल्यूज बढ़ती उनकी। तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन आ गया, ठीक है ना। तो दो लाइन्स अगर पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट माइनस वन होगी। कोई भी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। आप देख रहे हो जो इसमें एक्स का कोफिशियंट लिखा वही यहां लिखा, जो इसमें वाई का कोफिशियंट लिखा वही यहां लिखा, यानी कि इतनी चीज तो मैंने सेम कॉपी कर दी है, बदला सिर्फ इसको है। कारण देखो, अगर इस लाइन को देखू मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे मैं वाई को सब्जेक्ट बनाने की सोचू, तो चलो वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी बनाइए, यहां से वाई को सब्जेक्ट बनाया तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस सी बाय बी। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? माइनस ए बाई बी हो गया, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन इज ऑल्सो माइनस ए बाई बी, क्योंकि दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अब हमने कहा इसकी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज वाई को वाई का स्लोप तो सेम ही लिखना है, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। अब यहां कॉन्स्टेंट ही तो बदल सकता है, स्लोप तो वही लिखना है हमारे को, वाई को तो वैसे ही वाई लिखते थे, एक्स को एक्स लिखते थे, और पैरेलल हो गई तो स्लोप सेम होना है। तो यहां पे कुछ लिखना है तो मान लो वो मैंने के लिख दिया कि कोई टर्म हो गया यहां पे, प्लस के लिख लो आप, के लिख दिया। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करूं, पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी वाई माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी के, ये हो गया। इस ax को भी इधर ले आता हूं तो ये ax प्लस बी वाई प्लस बी के जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस इस बी के को मैं समझ लू सी डैश होता है, ये बी इंटू के कर दिया और मान लो वो मुझे सी डैश मिल गया, तो ये आ गया। अब देखो ये यही फॉर्मेट आ गया आपके पास, तो इसका मतलब है कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगी तो वो ये होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर लिखा हुआ है आपके पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और दूसरी लाइन लिखी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये अभी भी पैरेलल हो सकती हैं दोनों लाइंस, प्रोवाइडेड
एक तो ए वन ए टू के बराबर हो, बी वन बी टू के बराबर हो, एक दूसरी कंडीशन से भी कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, आर पैरेलल इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ये लाइंस भी पैरेलल रहेंगी आपके पास, ठीक है ना। इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन लिखनी थी, तो पहले तो मैंने यही वाला कंसेप्ट यूज किया, कहा इसके पैरेलल लाइन होगी 2x प्लस 3y, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर कैन बी देयर, ठीक है ना। मान लो वो नंबर 6 है तब भी पैरेलल रहेगा, 12 होता तो भी होता, माइनस 3 बाई 2 होता तो भी होता, कोई भी रियल नंबर लिख लो वो पैरेलल रहेगा। अगर इस लाइन को मैं मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये, इसको ऐसे कर लेता हूं, फ्रैक्शन में लिख देता हूं, 5 बाई 2 लिखा मान लो सपोज, अब मैं कहूं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो क्या ये लाइन बदल जाएगी, ये इक्वेशन बदल जाएगी? नहीं, ये तो वही रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो कोई चेंज होना नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास 6y हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, क्लियर ये चीज। ये अब देखो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, इसमें ए वन अपॉन ए टू कितना है 1/2, बी वन अपॉन बी टू कितना है 1/2, ठीक है ना, सी वन अपॉन सी टू उसके इक्वल नहीं है, तो ये लिखना था मेरे को, गलती से मैंने सी वन अपॉन सी टू भी लिख दिया है। तो ये आपके पास दो लाइंस हो गई पैरेलल, इसका मतलब अगर इन दोनों लाइंस को पैरेलल होना है तो ये कंडीशन है आपके पास, ठीक, क्लियर ये चीज। तो हमें मालूम कर गया एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब एक चीज और देखते हैं इतने के बाद, का एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। अब जब परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन लिखनी है तो जो लाइन आपको गिवन है, जिसके परपेंडिकुलर आपको लाइन निकालनी है, उसमें जो एक्स का कोफिशियंट है उसे बना दो वाई का कोफिशियंट, और वाई का कोफिशियंट जो है उसे बना दो एक्स का कोफिशियंट, और इन दोनों में से किसी एक का साइन बदल दो। ऐसे किया, जैसे ये एक्स लिखा था या वी वाई लिखा था, तो मैंने लिखा वी एक्स, ए वाई लिखा लेकिन साइन बदल दिया इसका। आप देख लो जो चीज y के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो x के साथ ले आया, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उसका नेगेटिव करके y के साथ कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, यहां माइनस बी एक्स यहां पे प्लस ए वाई करते थे, किसी एक का साइन बदलना है और प्लस कॉन्स्टेंट भी बदल लो, ये लाइन जो है ऐसी हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अगर इस लाइन का आप स्लोप निकालोगे, मैं की बार में इसका स्लोप निकालू इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप सपोज ये एम टू है, तो एम टू का स्लोप क्या निकलेगा, इस ए वाई को उधर ले जाऊं तो प्लस में जाएगा, फिर ए डिवीजन में ले आऊं, मैं सिर्फ इतनी चीज को दे रहा हूं, मुझे एक्स का कोफिशिएंट देखना है तो बी बाई ए मिलेगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप देखूं तो क्या होगा मेरे पास, इसका स्लोप देखूं तो इस ए एक्स को मैं उधर ले गया माइनस ए एक्स गया, बी उसके नीचे चला जाएगा, तो इसका स्लोप जो है एम वन वो कितना हो जाएगा माइनस ए बाई बी हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, मेरे को कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज क्वेश्चन का पार्ट वन पैरेलल टू 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड पासेस थ्रू वन कॉमा वन। सेकेंड पार्ट, परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y प्लस 7 एंड पासेस थ्रू सेवन कॉमा टू, ठीक है, मतलब उसे कहा गया एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है। तो मैंने क्या किया, मैं दो तरीके यूज कर सकता हूं,
वो दो तरीके क्या यूज कर सकता हूं, पहला तरीका कि मैं इसका स्लोप निकालू, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, मैंने कहा स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, इस लाइन को देखा ये उधर चला जाएगा माइनस थ्री, सिर्फ नंबर ही देखना है, 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x जाएगा, ये 2 के डिवीजन में चला जाएगा तो माइनस 3/2 का स्लोप बन रहा है, वाइस को सब्जेक्ट बना लेते माइनस 3/2 का स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन तो इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, वो ये हो गया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इस फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, y की जगह y लिखना है, ये सॉरी ये नहीं सॉरी यूज करूंगा मैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, मुझे स्लोप पता चल चुका है, एक पॉइंट पता चल चुका है जिससे पास करती है, वो पॉइंट मेरे को ये गिवन है, स्लोप मैंने वहां पे ऑब्टेन कर लिया, तो मैंने लिखा y माइनस वाई वन कितना था वन था, ये वाला वन इक्वल्स टू स्लोप कितना था माइनस 3/2, x की जगह x माइनस एक्स वन करना है फॉर्मूले में, एक्स वन कितना है वो भी वन है माइनस वन, ठीक, इस टू को इधर लाया मल्टीप्लाई किया, टू वाई माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, इस 3x को भी इधर ले आता हूं, 3x प्लस 2y, इस 3 को भी इधर ले आता हूं माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिल गई मेरे, ठीक है। अब आप देखो x का कोफिशियंट कितना है 3, इसमें भी वही है, y का कोफिशियंट कितना है 2, इसमें भी वही है, और सिर्फ क्या चेंज हुआ y इंटरसेप्ट चेंज हुआ। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करने का, मैंने कहा एनी लाइन पैरेलल टू ये वाली लाइन 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0, 3x को 3x लिख दिया, 2y को 2 लिख दिया, सब कांस्टेंट बदल दिया, ठीक है ना। अब ये रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी अगर ये पास कर जाए किससे, इस पॉइंट से, तो हमने कहा इफ 3x प्लस 2y प्लस k पासेस थ्रू 1,1, देन अगर लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप उस लाइन की इक्वेशन में x वाले कोऑर्डिनेट को x की जगह और y वाले कोऑर्डिनेट को y की जगह लिखोगे तो क्या होता है कि लाइन उसको सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल देता हूं एक आपको, ये लाइन क्या देखो 1,2 से पास करती है, मैंने आपसे कहा चेक वेदर दिस लाइन पासेस थ्रू 1,2 और नॉट, तो x की जगह मैंने 1 लिखा 3 हो गया, y की जगह मैंने 2 रखा 2 इंटू 2 4 हो गया, 7 की जगह मैंने 7 लिखा, इक्वल की जगह मैंने 0 रखा, क्या ये सर ये 0 है, नहीं है, तो 1,2 से ये पास नहीं करती है, ठीक है ना। अगर यही लाइन की इक्वेशन ऐसी होती मेरे पास, ये 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 और मैं कहता चेक वेदर दिस लाइन पासेस थ्रू 1,2 और नॉट, तो इसकी जगह मैंने 1 लिखा, इसकी जगह मैंने 2 लिखा, माइनस 7 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, 3 प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इज 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया ये, तो ऑफकोर्स दिस लाइन पासेस थ्रू 1,2, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने कहा
कि अगर ये लाइन इससे पास करती है तब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा 3 into 1, ये 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, 3 + 2 into 1 दैट इज 2 प्लस के इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2 = 5 इक्वल के उधर लेगा -5, ठीक है ना। द रिक्वायर्ड लाइन इज, अब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगी अगर k -5 हो जाए हमारे पास। तो हमने लिखा 3x + 2y - 2y - 5 = 0, पहले मेथड से जो इक्वेशन आई थी और अब जो इक्वेशन आई है वो दोनों आपके लिए सेम आई है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। एक ये वाला भी पार्ट देख लें, सेकेंड पार्ट देखते हैं, पहला मेथड, ठीक है ना। पहले मेथड के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू, इस लाइन का स्लोप चेक करना है, इस 3x को इक्वल के उधर ले जाएंगे ये 0 होगा, इस 3x को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो -3x आएगा, 2 उसके डिवीजन में जाएगा, -3/2 हो जाएगा, इसका स्लोप है -3/2। तो का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है तो वो ऐसा होना चाहिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -1 आ जाए, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दू तो -1 आता है, तो उसका स्लोप हो गया 2/3, ठीक है। अब का इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, अब मुझे रिक्वायर्ड लाइन के लिए स्लोप पता है और रिक्वायर्ड लाइन जिस पॉइंट से पता है वो पास कर रही है, तो y -y1 = m ब्रैकेट में x - x1 का फॉर्म यूज कर सकते हो, तो लिखा y - y1 2 था 2 लिख दिया इक्वल्स टू m 2/3 था 2/3 लिख दिया, x की जगह x -x1 1 ही था तो माइनस, ये हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3y, ये इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ -6 इक्वल्स टू, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2x, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ -2, सारे टर्म्स इक्वल के एक तरफ करते हैं 3y - 2x - 4 = 0, ये आ गया, ठीक है। इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, का एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज, अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो मुझे मालूम है एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज करने और किसी एक को माइनस में लिखना, ऑपोजिट साइन का करके लिखना है, तो मैंने इसे लिखा 2x - 3y + k = 0, 2y में था यहां पे x में मल्टीप्लाई कर दिया, 3y में था उसे सॉरी 3x के साथ मल्टीप्लाई था उसे y से मल्टीप्लाई किया और उसका साइन भी बदल दिया मैंने, तो ये हो गया। अब कहा इफ दिस लाइन passes through (1, 2), then अगर 1, 2 से पास करती है तो 1, 2 को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 2 × 1 - 3 × 2, x की जगह पे 1 लिख दिया, y की जगह पे 2 लिख दिया, k को k रहने दिया, = 0, इसको सिंप्लीफाई किया 2 - 6 + k = 0, ठीक है।
टू माइनस सिक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो, यहां से के माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब के इक्वल्स टू फोर हो गया हमारे पास, के इक्वल्स टू फोर। लिखा द रिक्वायर्ड लाइन इज यही वाली इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी अगर हम k की जगह पे 4 रख दें, तो ये हो गए 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। पहले जो लाइन निकाली थी वो ये है, अब ये है, दोनों सेम ही है। इसे माइनस वन से या इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो यही रिजल्ट आएगा। मान लो इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करते ही ये जो माइनस थ्री है वो प्लस थ्री हो जाएगा 3y, ये जो प्लस टू एक्स है ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये जो फोर प्लस में है ये माइनस फोर हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया आपके पास।